हमारे ठीक पीछे आपको दिखाएं कि एक नोटिस छपा हुई है मकान पर, सूचित किया जाता है कि रेलवे भूमि पर स्थिर अवैध कब्जा दिनांक 16/11/2024 के अंदर हटा ले, अन्यथा इसे रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का अभियान चलाकर हटा दिया जाएगा। तो हम क्या बेघर हो जाएंगे? एक कुंवारी लड़की है हमारे साथ, हम उनसे मिलने गए थे सर से, तो बोले थे कि आप जाइए, हम कल भेजेंगे आपको। हम तो बिल्कुल कोई सहारा ना आदमी है, ना लड़का है, ना कोई है, घर घर के मोहताज हो गए, आंसू के आ गए हैं, रो रही परेशान है, और रोने वाली बात भी है क्योंकि हम कल जा चुके हैं। बोले आप जाइए, मत परेशान होइए, हम करते हैं इसकी व्यवस्था। कुल भी कोई नहीं, कोई बेघर हमारा तो कोई लड़का नहीं, आदमी नहीं, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हमारा तो सबसे बड़ा दुख दर्द कहानी है, हमारा बस रास्ता दे दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं। हमारा अगर बाहर कुछ फैला हो, आप तोड़िए फोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, बस केवल हमें रास्ता दे दीजिए। लेकिन थोड़ा सा छज्जा निकला हुआ है रेलवे में, वो बता रहे पूरा मकान तोड़ा जाएगा। ये हमने कहा हम हमारा मकान चुनवा देंगे, तो काफी जो भी होगा अब आप समझिए। देखिए महज 3 फीट के मतलब गहराई में कैसे आदमी अपना जीवन यापन करेगा? बेघर हो जाएंगे, बच्चों को लेकर रोड पर कहीं पड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर में लगातार मकानों पर नोटिस चस्पा हो रही है, इसी के चलते आज सीतापुर के परेड मोहल्ले में एक नोटिस मकानों पर चस्पा की गई है, और ये नोटिस इस बार रेलवे विभाग के द्वारा चस्पा की गई। फिलहाल हमारे ठीक पीछे आपको दिखाएं कि एक नोटिस चस्पा हुई है मकान पर, और इस पर लिखा है कि आवश्यक सूचना, यानी कि भारतीय रेल इंडियन रेलवे की तरफ से ये नोटिस चस्पा है। यहाँ पर लिखा है आवश्यक सूचना, सूचित किया जाता है कि रेलवे भूमि पर स्थिर अवैध कब्जा दिनांक 16/11/2024 के अंदर हटा ले, अन्यथा इसे रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का अभियान चलाकर हटा दिया जाएगा। आज्ञा से सीनियर सेक्शन इंजीनियर सीतापुर जंक्शन। यानी कि यह नोटिस मकानों पर चस्पा कर दी गई है, और इनसे बताया गया है कि 16 नवंबर 2024 तक ये स्वतः अपना मकान से अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा की स्थिति में इन पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी, और जो मकान आएंगे उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। फिलहाल ये मकान है लाइन से पूरे मोहल्ला परेड में, ऐसे पीछे रेलवे के ठीक पीछे जो है माल गोदाम के पीछे मकान बने हुए हैं। और अगर लैंडमार्क की बात करें तो आपको बता दें कि ये वो मोहल्ला परेड का है जहां रानी गैस सर्विस का गोदाम है, और इसी के ठीक पीछे लाइन से सभी के मकान बने हैं, यानी कि पशु चिकित्सालय के ठीक पीछे अगर हैं तो ये मकान बने। फिलहाल एक सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, बड़े मायूस लग रहे हैं, इनसे पूछेंगे ये मकान पे नोटिस किसने चस्पा कर? तो रेलवे की है भाई साहब, वही लगाया है। कब लगाया? ये आज लगी। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि आप अपना अपना हटाइए, यही कह रहे थे। तो क्या अवैध बना है क्या? अब सर हम लोगों का तो गवर्नमेंट की जमीन पर बना हुआ, बाहर लाइन निकली हुई है ये। आप लोग की जमीन कब से रहा रह रहे? अब सर पुरकातम से है सर, हम लोग तब तक नहीं। और कहीं मकान है क्या? नहीं, वो मकान नहीं। कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे तो यही है, कहाँ जाएंगे क्योंकि मकान देखिए यही है। माता जी भी इनसे बात करने प्रेस करेंगे। माता जी ये मकान बना है, नोटिस चस्पा कर दी काहे? अरे हम ये मकान काहे चस्पा की है? ये हमारा नहीं है। फिर हमारा तो ये है, ये बन रहा है। ये बना है? हाँ ये बन रहा है अंदर। इस पे चस्पा नोटिस कर दी है काहे के लिए, पता है कुछ? नहीं हम नहीं जानते, इन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है। फिलहाल आपको आगे आगे धीमे धीमे करके लेते चलते हैं, और मकानों पर जहाँ नोटिस चस्पा हुई है सभी लाइन से एक एक मकान पर नोटिस चस्पा है। और ये देखिए यहाँ पे ईंटें पड़े हैं, लोगों ने अपना मकान जो है तोड़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जब नोटिस चस्पा हुई कि 16 नवंबर 2024 को ये मकान मतलब जो अवैध बने उन्हें तोड़ा जाएगा, और तोड़ना भी यहाँ पे इन्होंने अपने आप तोड़ा है, ईंटें किनारे कर रखे हैं। फिलहाल और भी आगे आपको ले चलते हैं, ये इस तरह से करीब यहाँ पर 10-12 मकान बने होंगे, और लाइन से सभी मकान हैं। हम बात करेंगे, ये मकान आप लोग के? नहीं हमारा नहीं, निकाह है। अच्छा आपका मकान है इस पर? मेरा मकान वो सामने बना हुआ है।
क्या ये नोटिस किसके द्वारा? ये रेलवे के द्वारा नोटिस छपा की गई है और हम लोगों को निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दी जा रही है, जबकि हमारे पूर्वजों ने ये मकान बनवाया था और हम लोग अपनी हद में नगर पालिका में है, लेकिन थोड़ा सा छज्जा निकला हुआ है रेलवे में, वो बता रहे पूरा मकान तोड़ा जाएगा। ये दिखाएं कि यहाँ पे बंदा है? जी 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 बिल्कुल। रेलवे की कितनी ज़मीन है क्या है? हाँ बिल्कुल दिखाते हैं आपको, और ये भी दिखाएंगे कि हमको केवल रास्ता निकलने की 3-4 फीट की जगह मिल जाए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। बाकी जो इनका रहेगा तो उसको हम अमल करेंगे, ज़मीन तो रेलवे की रहेगी। ये देखिए सर, रेलवे की लाइन ये लगी हमारे मकान दरवाजे से लगी हुई। अच्छा देखिए, ये भी मकान बना है और ये नोटिस चस्पा की गई यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है नोटिस, अगली दूसरी नोटिस है, इस पर लिखा है कि रेलवे परिसर में कूड़ा कचरा फेंकना सख्त मना है, अतः कूड़ा कचरा फेंकते समय पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी रेलवे विभाग के द्वारा आज्ञा से सीनियर सेक्शन इंजीनियर सीतापुर जंक्शन। ये रेलवे पटरी है, यानी कि इनकी बताई गई यहाँ तक का हद है, ये रेलवे पटरी है, ये हद है। इस हद के आगे जो भी कुछ बना है वो अवैध है। मकान के अगर अंदर की बात करें तो इनके मकान की गहराई जो है वो महज बहुत कम है, ये शायद अगर देखने से लग रहा है तो 8 फीट तक का होगा, 8 से 10 फीट, इससे अंदर ही होगा। इसके बाद बता रहे पीछे रास्ता नहीं है, इनके पास यही रास्ता है, क्योंकि पीछे की जो बाउंड्री है वो जिला अस्पताल की बाउंड्री है, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे। और रेलवे की जो आगे लाइन बिछी है, ये पटरी लगाई गई है, अब बता रहे कि रेलवे विभाग ने इन्हें 16 तारीख का समय दिया है और इसी के आगे यहाँ पे ये दीवार अपनी रेलवे विभाग खड़ी करेगा। तो आखिरकार ये जो मकान बने हैं ये कहाँ जाएंगे? आपके मकान की कितनी गहरान होगी अंदर? हमारी वही 8 फीट की गहरान है खाली बस। रास्ता? रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता, मुख्य रास्ता यही है हमारा। तो रेलवे विभाग ने क्या कहा? रेलवे, मैंने कहा कि आप रास्ता कहीं ढूंढने जाए कि मैं नहीं दूंगा और मैं दीवार यहाँ से खड़ी कर दूंगा। तुमने कहा कि आप हमारा मकान चुनवा देंगे, तो काफ़ी जो भी होगा अब आप समझिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, आज आए थे अधिकारी वहाँ, हम पूरा मोहल्ला सुबह गया था और सुबह यहाँ अधिकारी आए जाँच करने के लिए आए, देखा, कहा कि ऐसा है रेलवे के जहाँ ये रेड लगी है लाइन, यहाँ से दीवार उठेगी, आप अपना देखिए लाइन आगे डैमेज हो रहा है। तो कितने फीट दीवार उठाएंगे? ये दीवार बता रहे 20 फुट उठाएंगे। 20 फीट? 20 फीट की दीवार। तो पूरा मकान बंद हो जाएगा? पूरा, पूरी ये टूट जाएगा, तोड़ने के लिए कह रहे पूरा ये। अब ये टूटेगा तो हमारा मकान पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके 8 फुट की जगह है और फिर जगह नहीं रह जाएगी, हम लोगों को मकान छोड़ना पड़ेगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमारे पास तो 13 फीट है, बेघर हो जाएंगे। आपका मकान भी है यहाँ? वो भी आ रहा है क्या अवैध में? केवल छज्जा है, केवल अवैध में छज्जा है 3 फीट का, बस वही है, बाकी हमारा कुछ नहीं है, ना जगह है, रास्ता इधर से भी नहीं है। मकान कितना है आपका अंदर बच्चे का, कुड़िया का? 3 फीट बस। हाँ 3 फीट मकान? 3 फीट। तो उसमें तो सो भी नहीं पाएंगे ना, तकत भी नहीं पड़ पाएगा। आएंगे वाला मकान, आइए देख लेते हैं। ये ना यार दिखा दूँ, माता जी बीमार है बड़ी। अभी देखिए लाइन से जो 8 फीट मकान दिखाया अभी आपको, और यही मकान है जो हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे हसन गोगा कैमरे में, ये भी मकान है। ये पूरे मकान पर नोटिस चिस्पा कर दी है और इनका मकान बता रहे कि छज्जा बना है, ये 2 मंजिला मकान बना है। और अगर ये छज्जा यहाँ पर रेलवे जो लगा है, ये रेलवे की पटरी है, और ये रेलवे की पटरी से अगर यहाँ से पूरे 20 फीट तक का ऊँची जाएगी तो समझिए छज्जा चला जाएगा इनका करीब 3 फीट का और मकान भी चलेगा। फिलहाल इसके अंदर की गहराई की अगर हम बात करें तो महज ये देखिए यहाँ पर ये चौड़ाई की बचेगी, यानी कि ऊपर से अगर देखें तो ये मकान हो गया करीब 3.5 फीट का, ये छज्जा हो गया 3 फीट का, तो 6-7 फीट इनका चौड़ान है। लेकिन अगर रेलवे अपनी दीवार खड़ी कर लेगा तो छज्जा टूट जाएगा, तो इनके पास बचेगा सिर्फ इतना हिस्सा, यानी कि अगर यहाँ से हम नापें तो ये दीवार से लेकर के सिर्फ इनके पास इतनी दीवार बचेगी। अब इसमें आदमी कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, ये इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिलहाल इनका मकान है तो ये तो इधर से रास्ता मान लीजिए निकाल लेंगे, लेकिन जो बीच में मकान बने हैं ये कैसे रास्ता निकालेंगे? इनका कहना है कि ये बेघर हो जाएंगे, इनके पास कोई मकान नहीं है, और जब रेलवे विभाग इनके मकान के जो गेट है, दरवाज़ा है, उसके आगे 20 फीट तक का अगर दीवार बना देंगे तो आखिरकार ये जाएंगे कहाँ से, घर आएंगे कैसे और घर से निकलेंगे कैसे? तमाम तरीके की परेशानी है और इसको आप खुद अगर खबर देख रहे हैं तो इसको खुद आप महसूस कर सकते हैं कि महज 3 फीट के मतलब गहराई में कैसे आदमी अपना जीवन यापन करेगा। फिलहाल
भाई साहब एक कुछ लाएं भी हैं। ये हम किराया जमा कर रहे हैं, निकलने के लिए रास्ता दे दिया है हमें रेलवे ने। ये हम मुकदमा जीते थे और ये रास्ता मिली है हमें, ये बाकायदा इंजीनियर के दस्तखत है, मैं किराया भी जमा कर रहा था। तो ये कब से जमा कर रहे हैं किराया? ये 2062 से जमा कर रहे जी। तो ये काहे का किराया है? ये हम लोगों को रास्ता दी गई थी निकलने के लिए रेलवे ने जी। तो अब अच्छा इसीलिए मकान मतलब बनाया होगा, इसीलिए मकान बना, रास्ता निकली, ये सब रसीदें हैं हमारे पास जमा की है। पापा की डेथ हो गई उसके बाद की नहीं मिल पाई, लेकिन जो रसीदें हमें उपलब्ध हुई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा बाकी रसीद, तो किराया ऐसा तो नहीं किराया ड्यू तो इसलिए बना रहे हो? हाँ नहीं, किराया ड्यू नहीं है उन लोगों से, इससे मतलब नहीं कि किराया ड्यू है, लेकिन किराया ड्यू होने का मतलब कि हम कुछ जमान भी नहीं हुआ हमारा किराया यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था नहीं जब कोई लेने आता ही नहीं था। जब हमें पता चला, रसीदें मिली, तब हम वहाँ गए जमा करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा 2023 से ये सब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब दीवार उठेगी मतलब उन्होंने साफ? हाँ उन्होंने साफ साफ कह दिया दीवार उठेगी, अब मैं नहीं मानता हूँ किराया। आप लोग कहाँ जाएंगे? बेघर हो जाएंगे, बच्चों को लेकर रोड पर कहीं पड़े रहेंगे, बीवी बच्चों माँ को लेकर, माँ बीमार है हमारी, माँ 85 साल से ज़्यादा हो गई हैं, बीमार हैं अभी पड़ी, उनको कहीं लाद के ले जाएंगे यहीं पे डालेंगे। पीछे रास्ता निकल जाएंगे? नहीं कहीं रास्ता नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, पीछे हॉस्पिटल है और परी हॉस्पिटल की दीवार बनी है वहाँ पे, तो वो रास्ता तो देंगे नहीं, यहाँ वहाँ तो दीवार बनी है, लेकिन यहाँ तो खुला है, कम से कम ये लोग तो 4 फीट की रास्ता दे सकते हैं निकलने के लिए, बाकी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग के हिसाब से इतनी डिमांड है कि केवल छज्जे भर के हम लोग को निकलने के लिए रास्ता दे देंगे, यही है साहब, बस केवल 3 से 4 फीट की रास्ता दे देंगे, हम लोग इसी से अपना काम चला लेंगे, इसी निकल जाएंगे, इसी आ जाएंगे साहब। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि छज्जे भर के हम लोग को रास्ता दिए, जितना छज्जा इतने नीचे छोड़ दें बस। देखिए भाई सबका निवेदन है कि रिक्वेस्ट है उनका, लेकिन ये देखिए अगर दिखाएं तो ये है, ये रेलवे की क्रॉसिंग पटरी लगी थी और इसने चौड़ाई देखिए, समझ लीजिए कितनी चौड़ाई है, मतलब अगर कुर्सी भी डालें तो कुर्सी भी सही से नहीं पड़ पाएगी। इनका कहना है कि ऐसे मकान वहाँ से शुरू होता है, 8 फीट की चौड़ाई से शुरू होते 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 ये यहाँ कोने तक का महज 3-3.5 फीट की रह जाता है। अब इस 3.5 फीट के इस मकान में अगर कैसे आदमी रहेगा, क्योंकि इसकी जब चौड़ाई यानी कि जो मोटाई इसकी है वो कम है, ऐसे में कैसे जीवन यापन करेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन रेलवे प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दी है और नोटिस चस्पा करने के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि ये 20 फीट की दीवार उठाएंगे। फिलहाल एक और यहाँ पे जो निवासी है वो परेशान है, कह रही है क्या हुआ आप? हमारा ये बीच का हिस्सा है तो हमारे ना आदमी है ना लड़का है, इसलिए परेशान, हमारा टूट जाएगा तो हम क्या बेघर हो जाएंगे। एक कुंवारी लड़की है हमारे साथ, हम उनसे मिलने गए थे सर से, तो बोले थे कि आप जाइए हम कल भेजेंगे आपको, आप परेशान नहीं होइए जाइए, तो वही हमने कहा कि ये बता दे देंगे, कल बताया तो हम तो गए थे वहाँ पर, जहाँ हम तो बेघर होते, हमारी तो एक कुंवारी लड़की है, हम कहाँ चले जाएंगे, हम तो बिल्कुल कोई सहारा ना आदमी है ना लड़का है ना कोई है, घर घर के मोहताज हो गए, आंसू उनके आ गए हैं, रो रही परेशान है और रोने वाली बात भी है, क्योंकि क्योंकि हम कल जा चुके हैं, बोले आप जाइए मत परेशान होइए, हम करते हैं इसकी व्यवस्था। इसलिए क्या बता रहे हैं अब तो देखिए आप, हमारा तो कोई नहीं चाह रहा है, बिल्कुल भी कोई नहीं, कोई बेघर हमारा तो कोई लड़का नहीं आदमी नहीं, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए, हमारा तो सबसे बड़ा दुख दर्द कहानी है। कितने फीट चौड़ा होगा हमारा? बस रास्ता दे दीजिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा अगर बाहर कुछ फैला हुआ आप तोड़िए फोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, बस केवल हमें रास्ता दे दीजिए, हमें तो कुछ रास्ता नहीं है। नहीं पीछे हमारा कुछ भी नहीं, हम सर से बता आते, सर हम बहुत परेशान हैं, हमारी इतनी परेशानी हम कह नहीं सकते किसी से, हम सर से बात कर आए थे। देखिए आप रोइए नहीं, सर और हमारे लिए तो कुछ बहुत परेशानियां हैं, हम लड़की को कुंवारी लड़की को लेके कहाँ चले जाएंगे, आप ये देखिए हम। तो आज जब अधिकारी आए थे तो बात किया तुमसे? नहीं हम यहाँ नहीं, हम ऑफिस में गए थे, नहीं मान रहे, बोले थे तो हमने कहा था कि चलिए, अगर बोले थे 4 बजे, बोले थे 4 बजे हम देखते हैं जैसा होगा हम देखते आके हैं, तो चल रहा 4 बजे तक हमने देखा, वेट किया नहीं आए, तो आज भेजा हो गया, क्या बात है क्या नहीं ये तो हमें नहीं मालूम इसके बाद, लेकिन कल कल बोले थे आप जाइए मत दिक्कत करिए रोइए नहीं आप, अब हम देखते हैं वहाँ कहें हम, सर मेरे हम बहुत परेशानियाँ हमारे तो बहुत ज़्यादा, ना लड़का ना आदमी, हम कहाँ लेके चले जाएंगे। वो अलग विषय है, और फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर के परेड मोहल्ले में यानी कि जो जिला उसका पशु चिकित्सालय है उसके ठीक पीछे और माल गोदाम की पटरी के ठीक बीच में, यानी कि रानी गोदाम के पास ये सभी मकान बने हैं। एक बार कैमरा पर्सन हसन गोगा से कहेंगे उन मकान को फिर से दिखा दें, और जो मकान यहाँ पे बने हैं इन मकान
के लोगों का यही कहना है कि बाहर सब कुछ तोड़ दे अवैध जो हो, लेकिन इन्हें करीब 2.5 से 3 फीट का रास्ता जरूर दे दे निकलने भर के लिए, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और इनका मुख्य द्वार नहीं है। और ऐसी की स्थिति में अगर ये रेलवे पटरी ये जो लगी है अगर यहाँ से ये फेसिंग अपना बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे, तो ये जाएंगे कहाँ पर? बड़ा सवाल उठता है सीतापुर में एक बार फिर, लोगों के मकानों के आगे एक जब दीवार खड़ी हो जाएगी तो ये खुद काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर दीवार खड़ी हो जाती है तो ये बेघर हो जाएंगे, और महज इनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस तरफ दीवार हो जाएगी रेलवे की और इसके ठीक पीछे एक दीवार खड़ी है जिला पशु चिकित्सालय की। वो दीवार एक बार आपको ज़रूर दिखा दें हम, जिला पशु चिकित्सालय की, क्योंकि वो दीवार भी देखना दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है, और कि आखिरकार पीछे कुछ है नहीं, लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन थोड़ा इनके ऊपर रहम करम कर देगा तो जाहिर सी बात है कुछ इनका भला ज़रूर हो जाएगा। और ये जो मकान दिखाया था मैंने आपको, ये 3 फीट का मकान बचा इनके पास चौड़ा, और इस मकान की चौड़ाई तो महज 3 फीट है। ये छज्जा, ये पिलर अपने कैमरे पर गोगा से कहेंगे कि ये पिलर है, ये पिलर गोगा भाई दिखा दे जा रहा है इधर थोड़ा दर्शकों को, ये पिलर से बस खाली इनका मकान इतना है, उसके आगे छज्जा है, छज्जे के बाद ठीक आगे रेलवे विभाग अपनी जमीन लगा खड़ी कर देगा, दीवार खड़ी कर देगा, और पीछे देखिए ये जिला पशु चिकित्सालय की जमीन है। तो इनके पास रास्ता कहीं नहीं बचा है, और ऐसे में जब रास्ता नहीं है तो ये निकलेंगे कहाँ से? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस लाइन यानी कि परेड मोहल्ले के जो रेलवे कॉलोनी के ठीक पीछे रहते हैं उन लोगों के पास काफ़ी बड़ी समस्या ये आन पड़ी है, क्योंकि इन्हें समय भी दे दिया गया है, वो भी महज आज 12 नवंबर है और 16 नवंबर की नोटिस मकान पर चस्पा कर दी गई है, यानी कि समय अगर दिया गया है तो सिर्फ 4 दिन का, और ऐसे में ये 4 दिन में क्या करेंगे? फिलहाल अगर तोड़ भी देते हैं मकान या दीवार मकान पर बना देते हैं तो ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।